दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है, विटामिन B1 की कमी के कारण, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है, कैंसर से संबंधित है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों, ओम मीटर का, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसमें अधिक ताप है, तो राइट आंसर इज भाप, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको जरूर याद रखना है। और देखिए इसी प्रकार से हमने सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF बनाई है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, GK और करंट अफेयर 2022-23 दोनों रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस अपडेटेड PDF को हमने 8000 क्वेश्चन आंसर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 6000 की बजाय अब इसमें 8000 क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। और ये मास्टर PDF दोस्तों एक ऐसी इकलौती PDF है मार्केट में, जिससे आप सभी सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं और आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप इस PDF को 1-1.5 महीना पहले पढ़ लेना, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी तक का यही रिकॉर्ड है हमारा कि आप इस PDF को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आप अगर मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो उसमें भी 80-90% आप स्कोर करना स्टार्ट कर जाएंगे। इस PDF का प्राइस अभी 170 रुपये है, 170 रुपये में सारे सब्जेक्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएंगे और सभी परीक्षाओं के लिए है। तो इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज करिएगा कि सर मास्टर PDF लेनी है, यहाँ से भी आप इस PDF को इजीली ले पाएंगे। WhatsApp नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर नीचे की साइड। छठा क्वेश्चन है, मनुष्य में बौनापन किसके रसाव के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तो सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1.5 लीटर, यानी कि सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हैजा, आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नौवां क्वेश्चन है, वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेफ्रॉन, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा, नौवें क्वेश्चन का सही उत्तर। दसवां क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है
सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। साइंस की सारी वीडियोस देखने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पे ओनली टॉप स्टडी साइंस प्लेलिस्ट, ये आपको सर्च करते ही पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पेप्सिन होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एंजाइम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दसवें क्वेश्चन का सही उत्तर, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्यारहवें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेनिन का श्रावण यानी कि सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, अमाशय के द्वारा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? 13 क्वेश्चन, अनुवांशिक घटनाओं में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुई परिवर्तन को दोस्तों कहते हैं, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? राइट आंसर रहेगा मीसोजोइक काल को, 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? दोस्तों चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की, तो राइट आंसर रहेगा क्रो मैग्नॉन, ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रो मैग्नॉन मानव इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। 16वां क्वेश्चन है, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हीलियम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो राइट आंसर रहेगा ओपेरिन ने, यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, विषाणु यानी कि वायरस होते हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ओकोसिकीय, विषाणु यानी कि वायरस होते हैं, ओकोसिकीय यानी कि राइट आंसर इज बी, ये भी आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? 19वें का राइट आंसर रहेगा यूरिया, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 20वां क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज फिशर ट्राम्प्स प्रक्रम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा एसेटिलीन गैस का, यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किस का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, सूर्य का प्रकाश, जल, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर डी रहेगा, 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 23वां क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्रीट, जिसको कोरोना भी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी याद रखना है। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है, मैंने आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही उत्तर भी जान लीजिएगा। राइट आंसर रहेगा प्लायोसीन युग से, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर। पैलियंटोलॉजी अध्ययन है,
इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये अध्ययन है जीवाश्मों का, यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अब आप लोग सबसे पहले बताइएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है भाई, ठीक है। ओनली टॉप स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग करिएगा, यहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF और यूट्यूब की कई फ्री PDF मिलेगी। 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर 2023 सब कुछ कवर किया है। इस PDF को आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए परचेज करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी इस पर ऑफर चल रहा है, ₹500 की PDF मात्र ₹170 में आप परचेज कर पाएंगे। इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आपको लिंक पर क्लिक करना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करनी है, फिर आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर पाएंगे। या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हमें मैसेज करना कि सर मुझे मास्टर PDF लेनी है। जैसे ही आप हमें मास्टर PDF के लिए मैसेज करेंगे, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस पर पेमेंट करना है, उसके बाद भी आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप पर PDF मिल जाएगी। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर पर पूछना, PDF के रिगार्डिंग कोई हाई हेलो का मैसेज मत करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।